हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, शिल्पा शेट्टी के साथ ड्यूट वीडियो आप किस प्रकार बना सकते हैं। मैं देख रहा हूँ इस वीडियो पे मिलियंस में लाइक गए हुए हैं। यदि आप भी इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं, और इस तरह के वीडियो बनाना बिल्कुल आसान है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने कैनवास्ट एप्लीकेशन और एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कैनवास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, वन बाय वन का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पर आना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, वीडियो को अकॉर्डिंग आपको 15 से 20 सेकेंड तक कर देना है। राइट क्लिक करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल सेलेक्ट करना है, स्क्रीन पे क्लिक करना है, फुल स्क्रीन में कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, और इसके बाद जो आपने वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं एक वीडियो को ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ, तो सिंपल मैं वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, इसके बाद मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, और एक वीडियो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, सिंपल इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है साइज के हिसाब से आपको एडजस्ट कर देना है, कुछ इस तरह से। इसके बाद लास्ट पोजिशन पे आना है, और एक्स्ट्रा पार्ट जो भी आपका दिख रहा है उस वीडियो में उसे आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। तो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर दिया हूँ। इसके बाद क्या करना है, आप अपने वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है। ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रोमा की का, सिंपल इसे आपको इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है, ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है, और इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। अब देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद यदि आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, लेयर पे आना है, इसके बाद टेक्स्ट पे आना है, और जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो सिंपल मैं यहाँ पे थैंक्स लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, इसके बाद ओके करते हैं। तो कुछ इस तरह से आप ऊपर भी टेक्स्ट भी लिख कर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद फुल स्क्रीन में कर देना। इसे आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद डन करते हैं, तो हमारा वीडियो यहाँ पे एडिट हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको दोनों वीडियो को ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। तो मैं सबसे पहले साउंड को म्यूट करता हूँ, इसके बाद आपको यहाँ पे साउंड ऐड करना है। सिंपल इस वीडियो को प्रेस करते हैं, लास्ट पोजिशन पर लेकर आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। तो आपको जो भी साउंड ट्रेंड कर रहा है सिंपल आपको साउंड को सेलेक्ट करना है। कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, स्ट्रैक्ट आइडियो करना है, वीडियो पर क्लिक करेंगे डिलीट करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।